अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो ये देखिए, आज हम फिर से मुमरा आ गए हैं मछली मार्केट में मछलियाँ लेने के लिए। ये जो मच्छी आपको दिख रही है ना, ये इसका नाम कानई है। कानई, गिताड़ा, खजूरा सब कहते हैं। तो हमने ये मच्छी ली है, ये 5 किलो की मच्छी है, 5 किलो की है मच्छी। और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा था वो, लेकिन खैर हमने ठहरा कर ले लिए। अब ये कटिंग कर रहा है मच्छी, इसको हम वही बोल रहे थे कि ना पीसीस थोड़ा जाड़े कर रहा था ये, तो उसको हमने कहा कि थोड़ा बारीक कर, क्योंकि हमें फ्राई के हिसाब से चाहिए। फिर उसने बाद में बारीक किया। तो हमने मच्छी ले ली यहाँ से और आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए ये झींगे हैं, ये लॉफ्टर झींगे हैं। तो ये भी मैंने 1 किलो झींगा ले ली और उसको छिलने के लिए दे दी। नहीं बोल रहा था लेकिन बहुत ज़बरदस्ती की। और ये जो पापलेट है ना, ये 4 जोड़ी पापलेट का वो 500 रुपये बोल रहा था, लेकिन बहुत छोटे थे इसलिए मैंने नहीं ली। थोड़ा बड़े होते तो ले लेती थी, बट बहुत छोटे इतना टेस्ट नहीं आता है बड़े छोटे पॉपलेट में। तो बहुत बोल रहा था कि ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसी के बाजू में देखिए ये बांगड़े वाला है, इसके बांगड़े भी बड़े टेस्टी थे। टेस्टी बोलती, बड़े थे और ताज़े थे, फ्रेश थे एकदम। लेकिन यही मच्छी इतनी सारी हो गई कि अब फिर और कोई गुंजाइश नहीं थी लेने की, इसलिए हमने यही मच्छी लिया और आ गए होटल में। भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर देकर मंगाया खाना। रोटी और कुछ, इसका नाम तो मुझे भी याद नहीं क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था। तो मैंने जिदान से बोला कि ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो देखो जिदान जो है टेस्ट करके बता रहा है अभी। जिदान बाबा ने तो पास कर दिया, लेकिन मुझे तो ठीक लगा, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो हमने खाना खाया और घर की तरफ चल पड़े। घर पर आकर ये देखिए इतनी सारी मच्छी हो गई वो, तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा अलग किया और सबको नमक लगा दी हूँ। नमक लगा के इस तरह से इसने पीसीस किया कि फ्राई के लिए भी अच्छी मतलब पड़ेगी हमको। और ये मुंडी है, ये मुंडी तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी अभी यहाँ पर ही, बाकी सबको फ्राई करके ले जाएंगे। और ये झींगे देखिए, ये लॉफ्टर झींगे। देखो सब मच्छी को मैंने धो लिया है। मैंने शायद धोया नहीं है, मैंने धो ली हूँ, शायद धोकर रखा है बराबर। और उसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, इतना गंदगी नहीं थी इस मच्छी में, एकदम साफ मच्छी थी। धो धा कर सबको मसाला लगा कर अब मसाला भी रेडी करना है अभी मुझे। तो ये देखिए, थोड़ी बहुत मच्छी मैंने फ्रिज में रख दी, फ्रीज़र में ऊपर, क्योंकि मुझे फ्राई नहीं करनी है। और फ्राई करने वाली मच्छी मैंने सब निकाल ली है। अब इसका मसाला देखिए, ये है, ये कोतम्बीर बहुत ज़्यादा दिख रही है,
और इसके अलावा भी और एक प्लेट मच्छी है, तो ये दोनों के हिसाब से मैंने मसाला बनाई। धनिया थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल के रख लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं अक्खा धनिया भी डाल रही हूँ ना, इसके लिए धनिया मैंने कम कर दिया। अब देखो इसमें हरी मिर्ची भी चली गई कोथमीर में, तो हरी मिर्ची इसमें, ये दो हरी मिर्ची और ये दो पांच मिर्ची, पांच हरी मिर्ची मैंने लिया है, ताकि अगर बहुत तेज़ भी होगा तो भी नहीं खा पाएंगे, इसके लिए पांच ही ली मैंने। तेज़ नहीं हुआ था मसाले में थोड़ा, और अदरक नहीं होने की वजह से मुझे मसाला लेना पड़ा रेडीमेड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ी लहसुन डाल दी मैंने पीसने में, और ये हटा दी मैंने लहसुन। अब जो है कोकम डाल दूंगी पीसने में, और ज़ीरा, मैं एक हाथ से जो है ना मोबाइल पकड़े हुए थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये धनिया मैंने डाल दिया अखा पूरा, ये भी मैंने सब समेट के ले लिया, और इसका बारीक पेस्ट बना लिया। ये देखो ये पेस्ट, अब इसमें मैं थोड़ी हल्दी डालूँगी, और ये जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है ना वो डाला मैंने इसमें, क्योंकि अदरक और लहसुन का स्वाद है ना फ्राई मछली में बहुत अच्छा लगता है जब हम हरे मसाले का बनाते हैं ना। और बाकी तो अगर हम लाल मसाले का बनाते तो उसमें कुछ ज़्यादा डालते ही नहीं, सिर्फ लाल मसाला, नमक, हल्दी और कोकम। ये चने का, दो चने के दो चम्मच चने का आटा डाले मैंने, और इसको अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला, क्योंकि पीसने में मैंने नमक नहीं डाला था ना, इसलिए इसमें नमक डाले। इसको अच्छे से मैं ये जान कर लूँगी मिला के, देखो सब एक जान हो गया है। अब मच्छी को मैं मसाला लगाते चली आऊँगी, थोड़ा सा मैं हल्का सा नमक लगा रही हूँ, ताकि अगर नमक कम हो तो फिर ये हो जाए। इसी तरह से तमाम मछलियों को भी मैं मसाला लगा के ले रही हूँ। तो ये सब मसाला लगा कर हो चुका है, मछली को पूरा अच्छी तरह से मैंने एक एक, ये जो बड़ी लंबी है ना उसको तो एक एक पीस को मैंने मसाला लगाया, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसे ही मसाला डाल के पूरा हाथों से लगाया, मिक्स कर दिया था। अब मैं इन सबको है ना एक साथ में ये प्याले में ही जमा दूंगी, सबको मैंने जमा दिया प्याले में। फिर फ्रिज में रख दूंगी इसको, नीचे फ्रिज में। तो
चलिए ये फिश को हम फ्राई करके लेते हैं। अब चूँकि मुझे थोड़ी खानी है, थोड़ी ले जानी है, इसलिए मैं जो हमें खानी है उसको अच्छे से फ्राई करूँगी और जो ले जानी है उसको थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का फ्राई करके ले जाना है ताकि हम वहाँ भी दोबारा से उसको फ्राई कर सकें, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्राई हो रही है मच्छी। मैंने अभी फ़िलहाल गैस फास्ट रखा है, फास्ट पर है मेरा। ये देख अभी मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मछली फ्राई करके मैंने रखी हूँ। अब इसको पैक करके फ्रीज़र में डाल दूँगी। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है ये अभी हम खाएंगे, तो ये देखो ये फ्राई ज़्यादा है ना। ये मछली हम मैं भी पहले कभी नहीं ऐसा करती थी कि फ्राई करके मछली लेके जाती थी, ऐसी बर्फ़ में फ्रीज करके लेके जाती थी। लेकिन वो मच्छी ने ज़्यादा दिन, अभी हमने पिछली बार जो मछली लेके गए थे ना, वो काफ़ी दिनों तक हमने खाई और जैसी फ्रेश वैसी मतलब लगी टेस्ट में। और ऐसी मच्छी जो बर्फ़ में बनाकर हम ले जाते हैं, वो कुछ दिनों के बाद है ना उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका नहीं होगा, या आप कितने दिन भी आप फ्रीज़र में रख के खाओ, फ्रीज़र में रखना है, हाँ नीचे नहीं। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।